अभी आपने एक बार पूछा था, वापस से भी पूछ रहे हैं। ये दूसरा है? अच्छा, आप कहीं और से आए हैं? जी जी जी, पूछे जी, पूछे जी 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 जी। बहुत ज्यादा करना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे अंदर जाने दें तो मैं आपको बाद में आपको आंखों देखा हाल बता पाऊं। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं ऐसा कुछ खास करता नहीं हूँ क्रिसमस पर देखते हैं। जी, पहली बात तो मैं जो मांगता हूँ मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी विशेष बता दें तो पूरी नहीं होती है। और रही बात जनरली जो मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड में बहुत पीस रहे और सब बहुत खुश रहें, क्योंकि आजकल इतना कुछ हो रहा है, माहौल इतना ख़राब है, तो मैं चाहूँगा कि सभी खुशी से रहें और सभी शांति से रहें। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए और मैं चाहूँगा कि ऐसी सक्सेस वो पाता रहे। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल द व्यूअर्स एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑल। एक्चुअली सबसे खुशी की बात यह है कि इतने अच्छे दिन पे, इतने प्रेशियस दिन पे उन्होंने घर खरीदा है और सब लोगों को बुलाया है, सेलिब्रेट करवाया है। सो दैट्स अ बिग थिंग एंड दैट्स अ स्पेशल थिंग एंड मैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टीजे एंड करणवीर बोथ आर वेरी नाइस एंड हाँ, मैं थोड़ी सी लेट आई हूँ पार्टी में, बट फिर भी यू नो सबसे मिल के उनकी खुशियों में हम भी खुश हो के अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड फीलिंग। हाँ सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए हमेशा यू नो आप भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हो कि भगवान मुझे ना ये चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, मुझे ना वो चाहिए, मुझे ना ये वाला चाहिए। सो मैंने स्पेसिफिकली कुछ मांगा नहीं है एंड मैंने बस भगवान को ये बोला है कि जो भी आपने दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हमेशा जब भी आप देखो मांगते रहते हो बट कभी भी आप थैंक यू नहीं कहते हो। सो दिस इज़ लाइक अ बिग थैंक यू फॉर गॉड एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे व्यूअर्स खुश रहे और प्यार स्प्रेड करे। दैट्स इट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खूब एंजॉय कीजिए। न्यू ईयर का मेरा एक्चुअली मेरा क्रिसमस को कोई प्लान नहीं है, मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं शूट कर रही होंगी, बट आई मेक श्योर कि न्यू ईयर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा ग्रैंड हो एंड खुशियों से भरी हुई। क्योंकि अगर आपका यू नो स्टार्ट हमेशा अच्छी जाती है तो पूरा साल अच्छा जाता है, ऐसे कहाँ जाता है। सो क्वाइट एक्साइटेड फॉर न्यू ईयर एंड हमेशा से आप होते ही हो और 2014 के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड कब पूरा साल बीत गया कुछ भी समझ में नहीं आया। सो हमेशा से एक्साइटेड हूँ एंड वेरी हैप्पी। Thank you.